कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। गाजियाबाद में कोरोना के कहर को देखते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और युवा वर्ग को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की मांग की है। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगने में अभी गाजियाबाद का नाम नहीं आया था, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जिले में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग को कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग की है। राज्यसभा सांसद कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम होगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से विवेकपूर्ण तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया है, इसका सभी वर्गों ने बहुत ही स्वागत किया है और प्रदेश की पूरी जनता उनके साथ है। गाजियाबाद जनपद में 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने में अभी जनपद का नाम नहीं आया था, क्योंकि ये जनपद दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से काफ़ी आवागमन गाजियाबाद में है और दिल्ली में स्थितियां बहुत विषम हैं। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये विनम्र अनुरोध किया है कि गाजियाबाद जनपद के नागरिकों को भी जो 18 वर्ष से अधिक के हैं उनको वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल ने इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अस्थाई अस्पताल बनाने की मांग की थी और इस बार पत्र लिखकर युवा वर्ग को वैक्सीन लगाने की मांग की है।